एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवदिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, वर्तंतु मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वर्तंतु कहते हैं, बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते रहेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, उसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में गुरुजी ने हमको बताया एक शमी पत्र की कितनी बड़ी महत्वता है, और ये 24 तारीख आ रही है, 24 अक्टूबर उस दिन विजयदशमी है, तो आपको एक शमी पत्र तो शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करना है, और इसका क्या पुण्यफल होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आप अवश्य करिएगा, ये एक शमी पत्र अवश्य शिवलिंग पे समर्पित करिएगा। इसका फल क्या है? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ। तो ये एक कथा से हमें मिला, गुरुजी ने कथा से हमें वर्णित किया, तो हमें इसे अवश्य शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।